नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया के बाजार पर। न्यूज़ प्लस 21 का एक्सक्लूसिव बुलेटिन बाजार हलचल में। SBI बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, सभी लोन पर बढ़ाई ब्याज दर। हरित विकल्पों के लिए वाहन उद्योग के नवोन्मेष को गति मिलना समय की मांग, बोले प्रधानमंत्री मोदी। फिच ने घटाया ग्रोथ अनुमान 2022-23 के लिए। भारत की GDP ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटाकर 7% किया। रेपो रेट बढ़कर 5.90% हो जाएगी। सोने चांदी में गिरावट जारी, 2 महीने बाद फिर 50,000 के नीचे आया सोना। चांदी 56,000 के करीब बनी हुई है। देश में सालाना 38% बढ़ी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। अमेरिका में 10%, चीन में 8% ग्रोथ। क्रिप्टो में निवेश का नया ट्रेंड, चीन में ही प्रतिबंधित चीनी कंपनी का भारत में फैल रहा क्रिप्टो ट्रेंड। सेंसेक्स 412 अंक लुढ़क कर 59,934 पर बंद। डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया। 10 महीने में निचले स्तर पर आई महंगाई, अगस्त में थोक महंगाई दर 13.93% से घटकर 12.41% पर आई, लगातार तीसरे महीने गिरावट। रियलमी नार्जो 50i प्राइम लॉन्च स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 7,999 रूपए। 75 जाने माने भारतीय ब्रांड्स की कुल वैल्यू 35% की बढ़त के साथ 393 अरब डॉलर पर पहुंची। TCS और वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ी। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।